बीजेपी ने बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए 46 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी की इस सूची में उसके आधार वोट माने जाने वाले ब्राह्मणों और भूमिहारों पर यादव भारी पड़े हैं। नई सोशल इंजीनियरिंग करने में लगी बीजेपी ने भूमिहारों का कोटा कम कर दिया है। यादव के हिस्से 8 सीट, भूमिहारों को 5। बीजेपी ने आज 46 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। इन 46 सीटों में से 7 सीट रिजर्व हैं, यानी वहां सिर्फ अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को ही टिकट दिया जा सकता है। बाकी बचे 39 सामान्य सीटों में से बीजेपी ने 8 सीटों को यादवों के हवाले कर दिया है। दूसरे चरण में बीजेपी के यादव उम्मीदवारों में राघपुर से सतीश यादव, उजियारपुर से शील कुमार राय, सिवान से ओम प्रकाश यादव, पिपरा से श्याम बहादुर यादव, बख्तियारपुर से रणविजय सिंह, मनेर से निखिल आनंद और पटना साहिब से नंद किशोर यादव शामिल हैं। वैसे 8वीं सीट हाजीपुर को भी यादव कोटे में ही रखा जा सकता है, जहां केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने निकट संबंधी अवधेश सिंह को टिकट दिया है। भूमिहारों को खास तवज्जो नहीं। बीजेपी ने अपने सबसे अहम वोट बैंक माने जाने वाले भूमिहारों का कोटा इस दफे कम कर दिया है। यादवों को बराबर ही टिकट दिया गया है। पार्टी ने चनपटिया से उमाकांत सिंह, बेगूसराय से कुंदन सिंह, पीरपौरी से शैलेंद्र कुमार, कल्याणपुर से संचित प्रसाद सिंह और गोरिया कोठी से देवेशंकर सिंह को टिकट दिया है। सीटिंग विधायक का टिकट काटा गया है। पार्टी ने अमनौर से अपने सीटिंग भूमिहार विधायक शत्रुघ्न तिवारी का टिकट काटकर कुर्मी जाति से आने वाले कृष्ण कुमार मंटू को टिकट दिया है। दिलचस्प बात यह है कि पिछले विधानसभा चुनाव में शत्रुघ्न तिवारी ने कृष्ण कुमार मंटू को हराया था। कृष्ण कुमार मंटू नीतीश कुमार के खास माने जाते हैं। वे जेडीयू के नेता थे। बीजेपी ने रातों रात उन्हें पार्टी में शामिल कर लिया और टिकट थमा दिया। ब्राह्मणों पर भी दरियादिली नहीं। दूसरे चरण वोटिंग के लिए जारी बीजेपी की 46 उम्मीदवारों की सूची में ब्राह्मणों को तादाद सिर्फ 4 ही है। बीजेपी ने इस दफे झांझरपुर से नीतीश मिश्रा, गोविंदगंज से सुनील मणि त्रिपाठी, भागलपुर से रोहित पांडे और बैकुंठपुर से मिथिलेश तिवारी को टिकट दिया है। 46 में से 11 राजपूत हैं। दूसरे चरण के मतदान के लिए आज बीजेपी ने 46 उम्मीदवारों की सूची जारी की। 46 उम्मीदवारों की सूची में 11 राजपूत उम्मीदवार हैं। इसमें मधुबन से राणा रणधीर सिंह, मुजफ्फरनगर से बारूराज से अरुण कुमार, पारू से अशोक कुमार सिंह, गोपालगंज से सुभाष सिंह, बरौली से राम प्रवेश राय, दरौंदा से करणजीत सिंह, तरैया से जनक सिंह, सोनपुर से विनय कुमार सिंह, लालगंज से संजय कुमार सिंह, मोहदीनगर से राजेश सिंह और फतुहा से सत्येंद्र सिंह शामिल हैं। बीजेपी की इस सूची में 2 कायस्थों को भी जगह मिली है। पटना में बाकीपुर से नितिन नवीन और कुम्हरार से अरुण कुमार सिन्हा को टिकट मिला है। पार्टी ने कुल मिलाकर 46 उम्मीदवारों में से 22 सवर्णों को टिकट दिया है।